अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में सिखों और हिंदुओं के डेलीगेट की बस पर किए गए हमले को इंसानियत के लिए शर्म की बात बताते हुए आज यहाँ ऐतिहासिक जामा मस्जिद लुधियाना में शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगान राष्ट्रपति को चाहिए कि अल्पसंख्यकों के ऊपर किए गए इस हमले में शामिल आतंकियों को गिरफ्तार कर सरबजार चौराहे पर गोली मारने का आदेश देना चाहिए। शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान ने कहा कि अफगान के अल्पसंख्यकों के साथ हुई सबसे बड़ी घटना ने अफगानों के इतिहास में काला पन्ना जोड़ दिया है जो कि कभी मिट नहीं सकेगा। शाही इमाम ने कहा कि आतंकी जब भी किसी धार्मिक नेता पर या किसी धार्मिक स्थान पर हमला करते हैं तो उनका उद्देश्य जनता में दरार डालना होता है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में रहने वाले सिख और हिंदू भारतीयों का अभिन्न अंग हैं और उन्हें कोई भी तकलीफ पहुंचे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाही इमाम ने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार वहां अमन और शांति को बनाए रखने में नाकाम साबित हुई है। जड़ा अफगानिस्तान दे विच कल रात दे करीब सिखां और हिंदुओं का बेदर्दी नाल बस दे विच कतल किया गया जिहड़े कि उत्थे दे राष्ट्रपति नूं मिलन जा रहे सीगे। एक बहुत बड़ा जुर्म है, इस्लाम मज़हब इनू मना करता है, इस्लाम जिहड़ा अमन का पैगाम दिंदा है और जो लोग इस्लाम का लिबादा उड़ के और ये काम कर रहे हैं ये अफगानिस्तान की उपर एक बहुत बड़ा दाग है जिहड़ा जिंदगी कदी नहीं खत्म हो सकता कि उन्होंने उत्थे दे मासूम लोगों के उपर गोलियां चला के निहत्ते लोगों के गोलियां चला के मकसद है कि अपनी दरिंदगी का हिसाब दिता है। इस्लामी कानून के मुताबिक मकसद है कि जिहड़े लोग मुजरम है उन्होंने बकायदा मौत की सजा दी जाए और मेरी मकसद है कि भी साड़ी पूरी दुनिया के जिहड़े इमाम है मक्के शरीफ के इमाम है उन्होंने अपील है कि भी एक स्पैशल मौलवियों का उत्थे दे आलिमां का एक वफद बना के अफगानिस्तान भेजा जाए जिहड़ा तहकीक करे और जिहड़े बंदे मुजरम है उन्होंने सख्त तो सख्त सजा जिहड़ी इस्लाम दे विच हैगी है वह दी जाए और जिहड़े परिवारों के लोग मारे गए हैं UNO नूं भी चाहिए है तो हिंदुस्तान गौरमेंट और उत्थे दी गौरमेंट चाहिए है कि भी उन्होंने परिवारों की बड़े पैमाने पर खिदमत उन्होंने एड दी जाए और जो लोग इससे जख्मी है उन्होंने स्पैशल इलाज कराया जाए चाहे विदेश ले जाना पवे लेकिन उन्होंने इलाज कराया जाए और ये जी घटना है ये सारे मजहब के लोग हिंदू सिख मजहब के जिन्हें भी लोग है मुसलमान जिन्हें भी है सारे आलिम जिन्हें भी है वह असी सारी यदि निंदा करते हैं और असी पूरी तरीके नाल जो आतंकवाद जो उत्थे फैल रहा है वह मुखालफत करते हैं क्योंकि इस्लाम जड़ा आतंकवाद का सबक नहीं देता, इस्लाम अमन और शांति का। जो अफगानिस्तान विखे एडी वड्डी मंदभागी घटना वापरी है उहदी असी सारे इकत्तर हो के इसकी मजम्मत करते हैं और इहदी निखेधी करते हैं। जिन्हां ने एडी वड्डा साजिश अधीन इहनूं रचैक रच के और उत्थों दी घट गिणती दे सिखां दे उत्ते जो जुल्म ढाया उत्ते उन्हां मौत दे घाट उतारिया है मनुखी बन बन के उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए और उन्होंने परिवारों का मुआवजा भी दिता जाए। अगर उतों की सरकार उन्होंने पर जो खर्चे है इलाज के वह भी करने चाहिए वो इतों की भारत सरकार सुषमा स्वराज जी ने और सारियां करा अपील करांगे जिन्होंने मंदभागी घटना की है उन्होंने जल्दी जल्दी नंगा करके उन्होंने उत्ते बनता और UNO नू ही अपील करांगे उन्होंने नंगा करके उन्होंने खिलाफ़ जो बनती है साजिश कर रहे हैं उन्होंने नंगा किया जाए और उन्होंने बनती सज़ा दी जाए। अफगानिस्तान दे विच होया हिंदुओं ने सिखां नाल जो कुछ उत्थे दे हकूमत दे ने करवाया अपने वेख दे मैं उन्हां दी मुज़म्मत करदा हाँ और आस रखता हाँ कि उत्थों दी गवर्नमेंट UNO सारे रल के उन्हां नूं नंगियां करन जिन्हां ने ये भयानक अग फैलाने की कोशिश की है लोगों नूं आपस दे विच लड़ाने की कोशिश की है। इस्लाम या कोई भी हिंदू सिख ये नहीं चाहते कि आपस दे विच इस तरह एक दूजे से वैरी बन जा। मैं तो ये चाहना कि यहो जे आदमियों नूं गोली नाल उड़ा देना चाहिए है। मैं सारे धर्मां नूं
ये प्रार्थना करता हाँ कि इसकी मुरम्मत करो और UNO कह के उन्होंने सख्त सजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।